दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर फ्रैंक कैमिनी। गूगल ने आज यानी 2 जून को अमेरिकी खगोल शास्त्री और समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर फ्रैंक कैमिनी का खास डूडल बनाकर सम्मानित किया है। गूगल के होम पेज पर कैमिनी को एक रंगीन माला पहने हुए दिखाया गया है। यह इमेज जून के महीने में प्रवेश करते ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई है। जून के महीने को विश्व स्तर पर प्राइड मंथ के रूप में मनाया जाता है। गूगल कैमिनी को यूएस LGBTQ अधिकार आंदोलन के सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक के रूप में वर्णित करता है। कैमिनी का जन्म 21 मई 1925 को क्वींस न्यूयॉर्क में हुआ था। उन्होंने भौतिकी का अध्ययन करने के लिए 15 साल की उम्र में क्वींस कॉलेज में एडमिशन लिया। कैमिनी ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से खगोल विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1957 में वह आर्मी मैप सर्विस के साथ एक खगोल शास्त्री बन गए, लेकिन सरकार द्वारा LGBTQ समुदाय के सदस्यों को संघीय रोजगार से प्रतिबंधित करने के कुछ महीने बाद अपनी नौकरी खो दी। कैमिनी ने सरकार पर मुकदमा दायर किया और 1961 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पहली समलैंगिक अधिकार अपील दायर की। कैमिनी ने अमेरिका में पहले समलैंगिक अधिकारों की वकालत करने वाले समूहों का आयोजन किया। 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के समलैंगिकता के वर्गीकरण को एक मानसिक विकार के रूप में मानने को चुनौती दी। आर्मी मैप सर्विस से निकाले जाने के 50 से अधिक वर्षों के बाद साल 2009 में अमेरिकी सरकार ने औपचारिक रूप से कैमिनी से माफी मांगी। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई भी लड़ी। 11 अक्टूबर 2011 को वॉशिंगटन DC में कैमिनी का निधन हो गया।